एन दुखद सपना या फिर बुरा सपना दिस ईयर इस साल आई हैव been टेकिंग पार्ट इन गेम्स एंड neglected माई स्टडीज मैं हिस्सा लेता रहा गेम्स में और पढ़ाई की उपेक्षा करता रहा एज द एनुअल एग्जामिनेशन वॉज drawing near, जैसा कि वार्षिक एग्जामिनेशन परीक्षाएं बहुत नज़दीक थी आई बिकेम अ लिटल वर्ड मुझे थोड़ी चिंता हुई आई वुड कीप सिटिंग मैं बैठा रहता लेट इन टू द नाइट देर रात तक विद बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी अपने सामने किताबें रख कर बट फाइंड इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट लेकिन कॉन्सेंट्रेट करना फोकस करना मुश्किल होता थॉट्स ऑफ फेलियर फेल होने के विचार कैप्ट वरिंग मी मुझे चिंतित करते रहते ऑल द टाइम सारा समय लास्ट नाइट पिछली रात आई वेंट टू स्लीप विथ सम सच थॉट्स मैं सो गया ऐसे कुछ विचारों के साथ इन माई माइंड मेरे दिमाग में लेके आई ड्रीम्ड मुझे सपना आया दैट की द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन परीक्षा का रिजल्ट वर डेक्लेय घोषित हो गया है एंड आई हैड फेल्ड और मैं फेल हो गया हूँ माई फादर रिफ्यूज मेरे पिताजी ने मना कर दिया टू टॉक टू मी मुझसे बात करने से आई हैड नोट इवन द कोरेज टू गो अप टू हिम मुझ में इतना साहस नहीं था कि उनके पास जाऊँ एंड फील सॉरी और सॉरी फील करूँ फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ स्टडी पढ़ाई की उपेक्षा करने के लिए आई वॉज सो अनहैप्पी मैं इतना उदास था दैट कि आई डिसाइडेड टू लीव माई होम मैंने फैसला लिया घर छोड़ने का आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन मैं रेलवे स्टेशन गया एंड और बॉडी ट्रेन एक ट्रेन में चढ़ा विद नो टिकट और पैनी इन माई पॉकेट मेरी जेब में एक भी टिकट या फिर पैसे के बिना एज सुन एज द ट्रेन स्टार्टेड जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई अ टिकट चेक कर पाकर ही ट्विस्टेड माई ईयर उसने मेरा कान मरोड़ा इट पेंट मी सो मच इससे मुझे बहुत दर्द हुआ दैट की आई गेव अ लाउड क्राई मैं जोर से चिल्लाया जस्ट देन उसी समय आई वॉक अप मैं जाग गया आई फाउंड माई मदर मैंने पाया मेरी माता स्टैंडिंग बाय माई साइड मेरी साइड में खड़ी है शी आस्ट मी उन्होंने मुझसे पूछा वट हैड हैपन क्या हो गया आई कुड ओनली से मैं सिर्फ कह सका नथिंग कुछ नहीं टूहर उनसे नेवर बिफोर इससे पहले कभी नहीं आई हैड सच एन अनप्लीजेंट ड्रीम मुझे इतना बुरा सपना आया